और सीएजी यानी कि कैग। और भारतीय संविधान के तहत भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की का न्यायाधीश नियुक्त होने के कारण अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का वह यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार के विधि संबंधित ऐसे विषय पर सलाह दे और विधि के स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अधिधारित करेगा। इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि एडवोकेट जनरल। वह राज्य सरकार को कानून विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधेयक एक सलाहकार होता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 178(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इस पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। इसको लोक लेखा समिति का आंख और कान कहा जाता है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस समय के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सभी महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तों अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से सदन को अवगत करती है।